वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल। आज हम बचे हुए कपड़े से 2 to 6 month बेबी गर्ल के लिए फैंसी फ्रॉक रेडी करेंगे। बहुत प्यारी फ्रॉक बनाऊंगी मैं, ठीक है। इसके लिए मैंने ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है और मेरे पास ये कतान सिल्क का फैब्रिक है। आप जो है ना कॉटन या लॉन की लाइनिंग भी ले सकते हैं। डिस्कस करेंगे बॉडीज़ के लिए मैंने 7.5 inch की लेंथ ली है फैब्रिक की और जो विथ है वो ऑलमोस्ट 14 to 15 inch है मेरे पास। इस तरह ये 2 pieces ऑफ फैब्रिक है। इसको इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे और शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर मैंने इसमें लिया है 4 inch, ठीक है। ये 2 to 6 inch 6 month बेबी गर्ल के लिए है, ठीक है। इस तरह हम जो है आर्म होल लेंगे 4.5 inch, ठीक है। इसको इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने फ्रंट और बैक जो है वो इक्वल ही लिया है क्योंकि मैंने पीछे जो है ना वो डोरी के साथ जो लूप्स बनाऊंगी, लूप्स डोरी के साथ डिज़ाइनिंग करूंगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एक्स्ट्रा जो है वो फ्रंट को एक्स्ट्रा रखेंगे और बैक को कम रखेंगे, ठीक है। चेस्ट मैंने लिया है इसकी 5.5 inch, ठीक है। और इतनी ही हम वेस्ट लेंगे और इसमें हम जो है 1 inch का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। फिर इस पे स्टिचिंग होगी और लेंथ के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। यूँ हम आर्म होल की शेप देंगे, ठीक है, इस तरह। और यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप हम दे देंगे 1/2 inch, ठीक है। और ये हमारे पास 1/2 से 1 inch तक जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा सीम अलाउंस के लिए, ठीक है। यहीं से यहाँ से हम कटिंग करेंगे, ठीक हो गया। ये देखें, ठीक है, 1 to 1.5 inch तक आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विथ मैंने ली है 1.5 inch और लेंथ मैंने ली है 2 inch, ठीक है। यानी डेप्थ मैंने नेक की ली है 2 inch और बैक साइड की जो है मैंने डेप्थ ली है 1.5 inch, ठीक है। मैं आपको फिर बता रही हूँ 2 to 6 month बेबी गर्ल के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। और इस तरह हम राउंड शेप दे देंगे और मार्क के ऊपर हम इनको कट कर लेंगे, ठीक है। ये बेबी को पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, आप भी ज़रूर बनाइए। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप बचे हुए कपड़े से आराम से ये समर में अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम थोड़ी सी शोल्डर स्लोप कट कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक कट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम बैक के पीस को साइड पर कर लेंगे और फ्रंट नेक को जो है वो थोड़ा सा डीप कट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह। ये देखिए, ठीक हो गया। अब हमने बैक नेक को सेंटर से कट कर लेना है और इसी तरह लाइनिंग को रख के हमने जो मेन फैब्रिक है हमारा ऑर्गेन्जा का, हम उसको कट कर लेंगे, ठीक है। बैक नेक को कट करके यूँ इस तरह 2 pieces में सेपरेट कर लेंगे। अब ये वापस ऑर्गेन्जा की पटरियाँ थी, इस तरह मैंने ऊपर रख के इक्वल कट कर लेने हैं पीसीस, ठीक है, यूँ इसी तरह, ठीक है। अब जो हम नीचे की लाइनिंग कट करेंगे फ्रॉक की नीचे की, इसकी जो विथ है वो 24 inch है और लेंथ जो है वो 21 inch है। इस तरह हम इसको स्केयर शेप दे देंगे, ठीक है। यहाँ से मैं जो है वो 3.1 inch का यू मार्क करूँगी, ठीक है, इस तरह। इसको इस तरह हमने फोल्ड कर लेना है, ठीक है। आप वीडियो को रोक के स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पे बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको बताया है। यहाँ से हम जो है वो 6.5 inch का मार्क करेंगे, ठीक है। यूँ आप ऊपर से रख के नहीं 10 inch का मार्क कर लीजिएगा, इस तरह इजी हो जाएगा आपको यूँ कोने से रख के मार्क करना, ठीक है। तो ये कटिंग के बाद हमारे पास 6.5 inch तक का ये लाइनिंग का फैब्रिक आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। यहाँ से भी हम कट कर लेंगे, ये देखिए, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से 1 to 1.5 inch तक जो है हम यहाँ मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये पहले हम मार्क कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पे हमने कैन कैन की पट्टी लगानी है, ठीक है, फ्लेयर के लिए, यूँ इस तरह, ठीक है। इस तरह हम मार्क करके यूँ सर्कल की तरह मार्क कर लेंगे। अभी मेरे पास 6 inch जो है वो कैन कैन की पट्टी है, ठीक है। इसको यूँ सेंटर से हम फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और लेंथ इसकी ऑलमोस्ट
डेढ़ से इन जितना इसका बर्थ था मैंने उतनी ही ले लिया है, 16 इंच तक ही है इसकी, ठीक है 16 इंच तक ही है, ठीक है। इसको हमने अब क्या करना है, यहाँ से एक से डेढ़ इंच यूँ इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह फोल्ड कर लेंगे ना तो और ज़्यादा फ्लेयर आ जाएगा। चाहे तो आप इसको जो है वो डबल फोल्ड करके 3 इंच की पट्टी बना लें, या फिर यूँ डेढ़ इंच का ऊपर से फोल्ड करके यहाँ से यूँ, तो यूँ बॉक्स प्लेटेड की तरह इसको प्लेट डाल के जो हमने मार्क किया है इस सारे के ऊपर इसको इस तरह स्टिच कर लें, ठीक है। ये देखिए जो हमने एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे ना ऊपर अंदर की तरफ को, वो लाइनिंग की तरफ को होना चाहिए, ऊपर की तरफ को नहीं होना चाहिए। उसका रुख जो है वो नीचे की तरफ को होना चाहिए। अब ये जो ऑर्गेन्जा की पट्टी है ये मेरे पास, ये देखें 10 इंच की लेंथ है इसकी, लेकिन ये डबल में है, यानी सिंगल में ये 20 इंच है और डबल में मैंने इस तरह फोल्ड करके इसकी 10 इंच की लेंथ ले लिया और 30 से 31 इंच तक जो है इनकी यूँ विथ है, ठीक है। और इसको हम प्लीट्स डाल लेंगे, 30 इंच जो है वो लेंथ की प्लीट्स हैं, सॉरी पीसीज हैं फ्रंट और बैक के लिए, ठीक है। अब हमने इस तरह लाइनिंग के ऊपर रख के फैब्रिक को स्टिच कर लिया और स्मॉल कट लगा के हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, आर्म होल से। और नेक से हमने इसको स्टिच किया है, ठीक है, यू शोल्डर से हम इसको निकाल के इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब जो बैक साइड है इसके हमने क्या करना है, ये मैंने जो कतान सिल्क है इसी के मैंने ये लूप और डोरियाँ बनाई हैं, ठीक है, और इनकी जो लेंथ है वो 2 इंच तक की है। इन डोरियों के हम लूप्स बनाएंगे और इस तरह ऊपर रख के ना हमने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह लूप्स को अंदर रखेंगे इस तरह, और नेक को और आर्म होल को हम स्टिच करेंगे, और फिर ये लूप की पट्टी को इस तरह सारा, ठीक है, आधे आधे इंच पे मार्क करके आप ये लूप पट्टियाँ लगा सकती हैं, ठीक है। ये देखिए ये मैंने इसको टर्न करके आयरन कर लिया ये इस तरह, ठीक है। अब चाहें तो सीक्वेंस में लगा लें, चाहे तो यूँ टू टू का पेयर करके आप लगा लें। अब हम इसका यूँ शोल्डर अटैच करेंगे, ठीक है। स्टिच करने के बाद मैंने इनको पलट के आयरन कर लिया था, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए फिर हर चीज़ बताना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये देखिए अब मैंने एक और डोरी रेडी की है, ठीक है, इसको हम इस तरह इनके अंदर अल्टरनेटिव मेथड से डाल के यूँ इस तरह, ठीक है, इस तरह हमने इसके अंदर डाल लेनी है। ये देखिए अब चाहे तो डोरी थोड़ी सी लंबी भी बना लीजिएगा, ठीक है, और नीचे हम मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के तो एक छोटे सी वो जो है ना ये टेसल टाइप बना लिया, ये देखें इस तरह, ठीक है। अब हमने इसको सीधा करना है और इसके ऊपर बेल्ट की ये पट्टी रेडी करनी है। इसके लिए जो मैंने पट्टी ली है 2 इंच की जो है वो फोल्डिंग में जो है वो लेंथ है, ठीक है, और विथ इतनी इसकी जितनी हमारी कमर है वेस्ट है उतनी ही मैंने ली है, ठीक है। इस तरह ऊपर आके हमने साइडों से इसको स्टिच कर लेना, ठीक है, इस तरह रखेंगे और फिर हम यूँ अपनी वेस्ट की जो है वो फिटिंग लाइन को स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब ये जो मैंने नीचे ऑर्गेन्जा की ये लगाई है लाइनिंग, इसके ऊपर मैंने ये कैनकेन की पट्टी लगाई है, इसका फ्लेयर बन गया। अब ये जो दो पट्टियाँ थी हमारी ऑर्गेन्जा की, उनको मैंने यूँ डबल फोल्ड करके बताया ना आपको, इस तरह हमने दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लेना, एक पट्टी फ्रंट साइड के लिए होगी एक बैक साइड के लिए। लूज स्टिच लगा के हम इसकी यूँ गैदर्स बना लेंगे, ठीक है, वेस्ट के इक्वल, ठीक है, और फिर हम थोड़ी सी इसको भी इस तरह गैदर्स बना लेंगे हमारी शर्ट की वेस्ट के इक्वल, ठीक है ना, जो टॉप अपने बॉडी से रेडी किया ना उसकी वेस्ट के इक्वल तक, ठीक हो गया इस तरह। इसके ऊपर हम जो है ये ऑर्गेन्जा है उसको रखेंगे, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल लगता है बच्चे को पहना हुआ, आप ही ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए इसको इस तरह ऊपर आके, ये देखिए इस तरह पहले इन दोनों को स्टिच कर लेंगे फिर हम इसको बॉडीज के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। ये देखिए यू, उसके बाद ये देखिए रेडी स्कर्ट नीचे वाली रेडी हो गई है, इसको हम बॉडीज के साथ रेडी करेंगे। ये देखिए ये मैंने बॉडीज रेडी कर ली, इसको इस तरह रखेंगे यूँ साइडों को एक दूसरे के साथ मैच करके इसको यूँ इस तरह अंदर की तरफ पलट लेंगे। और ये देखिए इसको पिनअप कर लीजिएगा आप पहले, ठीक है, यूँ इस तरह करके तो हम इसको बॉडीज़ के साथ अटैच कर देंगे सारे को, ठीक हो गया। ये देखिए अब छोटी सी बो मैंने पीछे बैक तरफ लगा ली है, ठीक है, अभी फैब्रिक की छोटी सी बो बना के लगा लीजिएगा। उसके बाद ये मेरे पास सेम थ्रेड है, ये मेरे पास सीक्वेंस थी कुछ पड़ी हुई, ठीक है, आपके पास जो भी हो मैचिंग में आप वो ले लीजिएगा, मेरे पास ये पड़ी हुई थी, ठीक है। इसके ऊपर मैं छोटा मोती रख के, ठीक है, तो इसको मैं लगा लूँगी इसके ऊपर फ्रॉक के ऊपर, ठीक है, नीडल के साथ, ठीक हो गया। और इसके बाद ये मेरे पास एक सीक्वन वाली फ्लावर वाली जो है ना वो भी सीक्वन पड़ी थी सिल्वर कलर की,
ये गोल वाली जो है मेरे पास पिंक थी 3D वाली, और ये जो सिंपल है हमें मेरे पास सिल्वर कलर की थी। इसको भी हम इस तरह छोटा सा मोती रख के तो हम इसको अपनी फ्रॉक के ऊपर स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह ठीक हो गया। ये देखिए, ये मैंने मेथड बताया नहीं है, सिंपल सा था। मैंने कहा ये बता दें, मैं बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। आप जो है अंदर वाली लाइनिंग को जो है पिको कराइएगा, ओवरला कराइएगा और अपने बेबी को पहनाइएगा। बहुत प्यारा लगता है बेबी को पहना हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एक छोटी सी वो इसकी बैक साइड पर लगा दी थी इस तरह। ये इसकी फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।